एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ साइक्लिक कोड सॉल्व एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू में अपने को एक साइक्लिक कोड दिया है 7.4 डायमेंशन का, जनरेट अ पॉलिनॉमल दिया है 1 + x + x2। इसकी भी जनरेट अ पॉलिनॉमल की ऑर्डर रिवर्स्ड है, x^0 से लेकर x^2 तक है। और एक मैसेज दिया है 0100, इसकी भी ऑर्डर रिवर्स्ड है। तो सबसे फर्स्ट अपने को एनकोडिंग करना है, फिर एक रिसीव्ड कोड वर्ड दिया है उसको डिकोड करना है। तो सबसे फर्स्ट एनकोडिंग की तरफ जाते हैं और एम लिखते हैं। एम क्या अपना 0100, मतलब ये वाला 0 कौन सा है, x^0 वाली टर्म, ये x^1, ये वाली जो टर्म है वो x² और ये x³, मतलब अपना एम ऑफ एक्स। एम ऑफ एक्स क्या बना, एम ऑफ एक्स अपना सिर्फ x बना। तो अभी इसके बाद अपने को क्या करना है, एनकोडिंग करना है। एनकोडिंग करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ए ऑफ एक्स फाइंड करना। ए ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या अपना, ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू x^(n-k) एम ऑफ एक्स। x^(n-k), एन माइनस के कितना अपना 7.4 n k है, 7 - 4 3, तो x^3, x³। एम ऑफ एक्स अपना कितना है x, x³ × x, x^4। ये क्या अपना ए ऑफ एक्स बना। एनकोडिंग कर रहे हो, एनकोडिंग का फर्स्ट स्टेप ए ऑफ एक्स फाइंड करना। सेकेंड स्टेप क्या अपना बी ऑफ एक्स फाइंड करना। बी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, ए ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। तो ए ऑफ एक्स क्या अपना x^4, और जी ऑफ एक्स ये जो गिवन क्वेश्चन में 1 + x + x², तो डिविजन परफॉर्म करते हैं। ए ऑफ एक्स क्या है अपना x^4, जी ऑफ एक्स 1 + x + x², लेकिन डिविजन परफॉर्म करने के लिए आसान ही हो इसलिए हम लोग x² + x + 1 नॉर्मल ऑर्डर में लिखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ जी ऑफ एक्स का फर्क कितना पड़ता है, मैसेज पॉलिनम मैसेज वो दिया रहना चाहिए और फाइनल आंसर भी यही फॉर्मेट में होना चाहिए, उधर ही फर्क पड़ता है। सबसे फर्स्ट इधर डिविजन परफॉर्म करते हैं, x^4 और x² दोनों में डिफरेंस कितने का है, x² का। तो x² × x², अब ये सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना, x² × x² कितना होता है x^4, x² × x प्लस x³, x² × 1 प्लस x². तो अभी इसमें XOR एडिशन परफॉर्म करना है, x^4 x^4 कैंसिल, मतलब 1 1 का 0, बचा क्या इधर x³ प्लस x², x³ और x² में डिफरेंस कितने का है प्लस x का, मतलब x^1 का डिफरेंस, x * अभी ये सारी टर्म, x² x³, x² प्लस x², x² 1 प्लस x, ठीक है। तो अभी x³ x³ 1 1 0, 1 1 0, आंसर क्या बचा सिर्फ इसमें x। अभी x और x², इसमें डिवीजन परफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि ये लोएस्ट पावर वाला है, x^1 है और x². तो अभी अपना फाइनल बी ऑफ एक्स क्या बना, बी ऑफ एक्स का आंसर क्या हुआ सिर्फ एक्स। अभी अपने को कोड वर्ड फाइंड करना है, कोड वर्ड कैसे फाइंड करते हैं, थर्ड स्टेप में सी ऑफ एक्स। सी ऑफ एक्स क्या होता है, ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ एक्स। ए ऑफ एक्स क्या था अपना x^4, x^4 और बी ऑफ एक्स एक्स प्लस एक्स, लेकिन अपनी जी ऑफ एक्स की ऑर्डर कैसी है, x^0 से चालू हो रही है, तो इसलिए हम लोग ये भी वही ऑर्डर फॉलो करेंगे, एक्स फर्स्ट लोएस्ट वाला उसके बाद हाईएस्ट वाला, एक्स प्लस x^4, ये अपना सी ऑफ एक्स हुआ। लेकिन अपने को कोड वर्ड चाहिए, कोड कैसे बनेगा, अभी इसमें x^1 वाली फर्स्ट टर्म है, x^0 वाली टर्म नहीं है, तो इसलिए x^0 वाली टर्म नहीं, इसलिए 0 लिखेंगे। x^1 वाली टर्म है 1, x^2 नहीं है, x^3 नहीं है, x^4 है तो 1 लिखेंगे, x^5 नहीं है 0, x^6 नहीं है 0। ये बन गया अपना 7 बिट्स का, कैसे बना ये अपना कोड वर्ड, इसको भी एनकोड किया है। अभी डिकोड करेंगे, डिकोड करने के लिए अपने पास एक रिसिप्ट कोड वर्ड दिया ऑलरेडी गिवन है, रिसिप्ट कोड वर्ड क्या है अपना 0110011। सबसे फर्स्ट वो रिसिप्ट कोड वर्ड लिख लेते हैं, रिसिप्ट कोड वर्ड लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट रिसिप्ट कोड वर्ड क्या अपना r = 0110010,
वन वन। अभी क्वेश्चन में क्या है, जी ऑफ एक्स की ऑर्डर कैसे वन से चालू हो रहा है, मतलब एक्स रेस टू जीरो से चालू हो रहा है, तो रिसीव कोड वर्ड भी वैसे ही। तो ये वाला टर्म कौन सा है, एक्स रेस टू जीरो, ये एक्स रेस टू वन, ये एक्स रेस टू टू, एक्स रेस टू थ्री, ये वाला एक्स रेस टू फोर, ये वाला एक्स रेस टू फाइव, और ये फाइनल वाला एक्स रेस टू सिक्स। तो इसको आर ऑफ एक्स में लिख लेते हैं। आर ऑफ एक्स क्या बना, जिधर जिधर वन है उधर का, मतलब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और किधर वन है ये, प्लस एक्स रेस टू फाइव प्लस एक्स रेस टू सिक्स, ये क्या बना अपना आर ऑफ एक्स। अभी अपने को डिकोड करना है, मतलब सिंड्रोम डिकोडिंग यूज करते हैं। सिंड्रोम डिकोडिंग का फॉर्मूला क्या है, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ आर ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। तो फर्स्ट डिवीजन परफॉर्म करता है, डिवीजन परफॉर्म करने के लिए अंदर आर ऑफ एक्स लिखेंगे। आर ऑफ एक्स क्या है अपने, ये वाला हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर से लिखेंगे क्योंकि डिवीजन में वो इजी पड़ता है। एक्स रेस टू सिक्स प्लस एक्स रेस टू फाइव प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये अपना। और अभी जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स भी हाईएस्ट ऑर्डर से लिखेंगे। जी ऑफ एक्स क्या अपना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अभी इन दोनों के बीच में डिवीजन परफॉर्म करना है, तो डिवीजन कैसे करते हैं, एक्स रेशियो सिक्स एक्स स्क्वायर, डिफरेंस कितने का, एक्स रेशियो फोर का, एक्स रेशियो फोर, अभी ये इंटू ये सारी टर्म्स, एक्स रेशियो फोर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेशियो सिक्स, एक्स रेशियो फोर इंटू एक्स प्लस एक्स रेशियो फाइव, एक्स रेशियो फोर इंटू वन प्लस एक्स रेशियो फोर। अभी इसमें एक्सोर एडिशन, एक्स रेशियो सिक्स कैंसिल, मतलब वन वन का एक्सोर जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, सिर्फ बचा क्या, अभी इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, ये सारे टर्म्स लिख लेंगे, एक्स रेस टू फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये टर्म्स लिख ली। एक्स रेस टू फोर और एक्स स्क्वायर में डिफरेंस कितने का, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, एक्स स्क्वायर इंटू ये सारी टर्म, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू फोर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी कैंसिल करते हैं, एक्स रेस टू फोर, एक्स रेस टू फोर कैंसिल जीरो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वो भी कैंसिल जीरो बन गया, सिर्फ बचा गया अपने पास प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स बचा, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर दोनों में डिफरेंस कितने का, एक्स रेस टू वन का, तो प्लस एक्स रेस टू वन लिख लेंगे, एक्स इंटू ये सारी टर्म, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन प्लस एक्स, फिर अभी कैंसिल करते हैं, एक्स क्यूब कैंसिल और ये एक्स एक्स कैंसिल, तो बचा क्या अपना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेम टर्म्स है तो कोई भी तो ऊपर वन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वन लिखेंगे, वन इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वन इंटू एक्स प्लस एक्स, वन इंटू वन प्लस वन, एक्स स्क्वायर कैंसिल जीरो, तो आंसर क्या बचा अपना एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन क्या अपना रिमाइंडर, एक्स प्लस वन क्या अपना रिमाइंडर। अभी एक्स प्लस वन आया मतलब एस ऑफ एक्स जीरो नहीं आया, मतलब ये जो कोड वर्ड है, ये जो रिसीव्ड कोड वर्ड है, इसमें कोई तो बिट में एरर है। अभी जो एरर है वो अपने को फाइंड करना है, और वो फाइंड कैसे करते हैं हम लोग, बाय यूजिंग एरर पैटर्न टेबल। एरर पैटर्न टेबल से हम लोग वो फाइंड करते हैं कि कौन से इसमें एरर है नहीं है। अभी अपना जो जी ऑफ एक्स का वैल्यू था, जी ऑफ एक्स ऐसे स्टार्ट हो रहा था वन प्लस, मतलब एक्स रेस टू जीरो की टर्म से चालू हो रहा था, तो अपना जो एरर पैटर्न वाला जो ये टेबल है, एरर पैटर्न वाला टेबल, एरर पैटर्न वाला ये अपना टेबल, एरर पैटर्न भी रिवर्स ऑर्डर में चालू होगा। नॉर्मली हम लोग जो इसके पहले सम कर चुके हैं उसमें डायगनल में सारे वंस लिखते थे बराबर, लेकिन अभी एंटी डायगनल लिखना है सारे वंस, क्यों, क्योंकि जी ऑफ एक्स किधर से चालू हो रहा है, वन प्लस से चालू हो रहा है, मतलब एक्स रेस टू जीरो से चालू हो रहा है। ये जो फर्स्ट वाला टर्म है एरर पैटर्न, और ये 7 बिट्स का ही है क्योंकि अपना एनकोडर कितना है, 7.4 का, तो सबसे फर्स्ट वाला ये एक्स रेस टू सिक्स, ये एक्स रेस टू फाइव, ये एक्स रेस टू फोर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू वन, एक्स रेस टू जीरो, एक्स रेस टू जीरो मतलब ये वन,
ये ठीक है। फिर अभी क्या करना है अपने को, सिंड्रोम पॉलिनोमल फाइंड करना है। उस एरर पॉलिनोमल वाला जो टेबल है वो नॉर्मल जी ऑफ एक्स में भी ये रहता है, और जी ऑफ एक्स 1+ से चालू होगा तो भी ये रहता है। सिर्फ फर्क किधर पता है, एरर पैटर्न में। नॉर्मल जी ऑफ एक्स रहेगा मतलब एक्स रेस टू क्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कुछ जी ऑफ एक्स रहेगा। तो डायगनल में ऐसे चालू होता है एरर पैटर्न, लेकिन ये 1+ से चालू हो रहा है इसलिए एंटी डायगनल यूज किया अपन ने। तो अभी सबसे फर्स्ट क्या करना है, ये जो एरर पैटर्न है फाइंड कैसे करते हैं अपन लोग, डिवाइड करना है एरर पॉलिनोमियल को। किससे डिवाइड करना है, जनरेटर पॉलिनोमियल से। अपना जनरेटर पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्यूब करना है सिंड्रोम पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, एक्स रेस टू सिक्स को डिवाइड करते हैं। एक्स रेस टू सिक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये अपना जनरेटर पॉलिनोमियल है ठीक है। एक्स रेस टू सिक्स और एक्स स्क्वायर दोनों में फर्क कितने का है, एक्स रेस टू फोर का। एक्स रेस टू फोर इंटू, अभी ये सारी टर्म्स, एक्स रेस टू फोर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स रेस टू सिक्स। एक्स रेस टू फोर इंटू एक्स प्लस एक्स रेस टू फाइव, उसके बाद एक्स रेस टू फोर इंटू वन प्लस एक्स रेस टू फोर। अभी कैंसिल आउट करते हैं, एक्स रेस टू सिक्स एक्स रेस टू सिक्स कैंसिल, जीरो बचा गया एक्स रेस टू फाइव प्लस एक्स रेस टू फोर। एक्स रेस टू फाइव एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर में फर्क कितना, प्लस एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू फाइव, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस एक्स रेस टू फोर, एक्स क्यूब इंटू वन प्लस एक्स एक्स क्यूब, कैंसिल करते हैं, बचा क्या है इसमें से, सिर्फ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में फर्क कितना, एक्स रेस टू वन का, एक्स रेस टू वन लिख लेते हैं सबसे फर्स्ट। तो इधर एक्स रेस टू वन लिखेंगे, एक्स रेस टू वन इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स रेस टू वन इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन प्लस एक्स, कैंसिल करते हैं ये जीरो, बचा गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर टर्म सेम है तो प्लस वन करेंगे, वन इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वन इंटू एक्स प्लस एक्स, वन इंटू वन प्लस वन। तो इसका आंसर क्या बना, सिर्फ वन। रिमाइंडर क्या बचा अपना, वन। तो सबसे फर्स्ट तो इधर ये वन लिख लेंगे, ये पॉलिनोमियल में एक्स रेस टू सिक्स की टर्म हम लोग ने फाइंड की है, वन आती है। अभी वैसे फाइंड करते हैं एक्स रेस टू फाइव के लिए, तो एक्स रेस टू फाइव लिखेंगे और यह फिर यहाँ पे जनरेटर पॉलिनोमियल। एक्स रेस टू फाइव और एक्स स्क्वायर में डिफरेंस कितना होता है, एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का डिफरेंस लिखते हैं, एक्स क्यूब इंटू, अभी ये सारी टर्म, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर होता है एक्स रेस टू फाइव, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस एक्स रेस टू फोर, एक्स क्यूब इंटू वन प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें एक्स और एडिशन, एक्स रेस टू फाइव एक्स रेस टू फाइव कैंसिल, बचा क्या एक्स रेस टू फोर प्लस एक्स क्यूब। एक्स रेस टू फोर और एक्स स्क्वायर में डिफरेंस कितने का होता है, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर इंटू, अभी ये सारी टर्म, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू फोर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है, प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। तभी इसमें से एक्स रेस टू फोर एक्स क्यूब की टर्म्स कैंसिल होती है, बचता क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर टर्म्स सेम है तो प्लस वन करेंगे, प्लस वन इंटू, अभी ये सारी टर्म्स, एक्स स्क्वायर वन इंटू एक्स प्लस एक्स, वन इंटू वन प्लस वन। अभी एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है और आंसर क्या बचता है, एक्स प्लस वन। अभी इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो यही फाइनल आंसर है, एक्स प्लस वन, इसका रिमाइंडर एक्स प्लस वन आया। तो अभी एक्स रेस टू फाइव का आंसर आया एक्स प्लस वन। और वैसे ही हम लोग अभी बाकी के सारे डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो अपने को आंसर क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक्स मिलेगा, एक्स क्यूब के लिए वन मिलेगा, एक्स स्क्वायर के लिए फिर से एक्स प्लस वन मिलेगा, और ये एक्स और ये वन। फर्दर डिवीजन परफॉर्म करने का तो हम लोग को ये आंसर मिलने वाला है। लेकिन अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है
कि एक्स प्लस वन, ये वाला एक्स प्लस वन और ये वाला एक्स प्लस वन, ये दोनों टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। अभी इसमें से कौन सा टर्म ले कि जिससे एरर करेक्ट हो जाए, अभी ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। तो ऐसे जो केस होते हैं जिसमें टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, क्योंकि अपने को सिंड्रोम का आंसर भी एक्स प्लस वन आया था और इधर 2 बार एक्स प्लस वन आया, तो ऐसे टर्म्स में सिर्फ एरर डिटेक्ट हो सकता है लेकिन एरर करेक्ट नहीं हो सकता है। अभी वो एरर करेक्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जी ऑफ एक्स अपना क्या था, एक्स स्क्वायर था, और जी ऑफ एक्स लेस देन एन माइनस के है। एन माइनस के अपना कितना था इसमें, 7.4 का कोड था, तो एक्स क्यूब था, एन माइनस के एक्स क्यूब, और जी ऑफ एक्स हाइस्ट पावर क्या था, एक्स स्क्वायर था। तो जी ऑफ एक्स छोटा है एक्स एन माइनस के से, इसलिए सिर्फ एरर डिटेक्ट हो सकता है और एरर करेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, हेंस वी कैन ऑब्जर्व द सिंड्रोम्स आर रिपीटेड, थस इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द कंसर्न एरर पैटर्न फॉर द रिसीव्ड कोड वर्ड। एरर पैटर्न कौन सा यूज होगा वो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एरर्स रिपीट हो रहे हैं सिंड्रोम्स। और इफ डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स लेस देन एन माइनस के, देन डिटेक्शन इज पॉसिबल बट करेक्शन इज नॉट। मतलब हम लोग ने सिर्फ डिटेक्ट किया ये 2 बिट्स, लेकिन वो बिट्स को हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स शुड बी एन माइनस के, कम से कम एन माइनस के तो होनी चाहिए डिग्री जी ऑफ एक्स की। और इसमें क्या था, एक्स स्क्वायर, सबसे हाईस्ट एक्स स्क्वायर था, एन माइनस के एक्स क्यूब, तो छोटा है। मतलब इसमें जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब रहता था तो एक एरर आता था और वो करेक्ट हो सकता था। थैंक यू।